हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्टिविटीज विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम री की मात्रा जो कि कैसे दर्शाया गया है, ऐसे किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे लगा होता है, ठीक है, हाफ कर्व, तो ये क्या होती है, री की मात्रा कहलाती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको र पदेन के विषय में बताया था जो कि किसी भी अक्षर के साइड में ऐसे निकली होती है और साथ ही साथ नीचे लगी होती है इस तरह से। और उसके भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको र यानी रेफ की मात्रा यानी शिरो रेखा के ऊपर जो लगता है वो रेफ की मात्रा मैंने बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं री की मात्रा के विषय में बताने वाली हूँ जो कि किसी भी अक्षर के नीचे हाफ कर्व की तरह प्रयोग में लाया जाता है। अब देखते हैं कुछ शब्द, म और ये री, ठीक है, और ग, तो ये जुड़ के क्या बनता है, म के नीचे र लगा तो मृग, मृग, री, ठीक है, इसका जो उच्चारण होता है री, तो मृग, न के नीचे लगा हुआ है र और प, नृप, नृप मतलब राजा, वृक्ष यानी वृक्ष, हम हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए ये र है, ठीक है, इसको हम र का व्री री री पढ़ेंगे, ठीक है, वृक्ष वृक्ष। फिर गृह गृह, फिर क के नीचे र और श में छोटी मात्रा कृषि कृषि, फिर क के नीचे र और श क कृषक कृषक यानी किसान, ठीक है, त र फिर अण, तो त के नीचे र लगा तो त्रिण तृण, तृण मीन्स क्या होता है, तृण मीन्स होता है घास, छोटी घास। और नेक्स्ट आता है ह, ह के नीचे र तो हृदय हृदय हृदय, तो इसको हम क्या, ये हृदय यानी कि हार्ट हमारा, ठीक है। फिर क के नीचे र कृपाण 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 मीन्स छोटी तलवार, आप देख सकते हैं। ये थे तो ये कुछ शब्द थे जो कि री की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। कुछ और भी शब्द यहाँ दिए हुए हैं, आइए इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको और भी ये क्लियर हो जाए। घृत घृत, तृण तृण, कृष कृष, गृह गृह, मृग मृग, घृणा घृणा, वृथा वृथा, कृपा कृपा, कृषि कृषि, सृष्टि सृष्टि, अमृत अमृत, कृषक कृषक, हृदय हृदय, पृथ्वी पृथ्वी, पृथक पृथक, वृषभ वृषभ, कृत्रिम कृत्रिम, पृथक पृथक, कृपाण कृपाण, जागृति जागृति। तो आपने देखा री की मात्रा, ठीक है, जिसको हम नीचे किसी भी अक्षर के नीचे की ओर लगाते हैं और वो री का उच्चारण उसमें हम करते हैं, अ मृी म के साथ री त अमृत। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले भी तीन र के विषय में बताया है और इस वीडियो में मैंने जो लास्ट था फोर्थ वो भी मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं और अगर आपको यूजफुल लगती है तो आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।